अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम आई8 मरकज़ खड़े हुए हैं आईसेज के पास। इनका गोले की मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे और ये वो गोला है जो कराची में दुरा जी पे मिला जाता है, और मैं इस गोले के कब से इंतज़ार में था कि यार इस्लामाबाद पिंडी में कोई ऐसा गोला आए जिसको मैं ट्राई करूं, जिसके लिए मुझे कराची स्पेशली ना जाना पड़े, और वो दिन आ गया। ये आईसेज है आई8 मरकज़ में कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ के साथ। ये इनका सबसे एक्सपेंसिव, सबसे बड़ा, सबसे फिलिंग गोला है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें 2 स्कूप्स आइसक्रीम के नट्स हैं, पाइनएप्पल जेली है, स्प्रिंकल्स हैं, और बर्फ़ के ऊपर ये इनके जो गोला के सिरप्स होते हैं वो हैं। जगह इनके पास अच्छी है, सिटिंग एरिया इंडोर भी है और डाइन आउट भी बना रहे हैं ये। अगर बात की जाए इनकी ओपनिंग की, तो इनकी ओपनिंग अभी हुई थी, 6 अगस्त को ही ओपन हुआ है। सिरप्स दोबारा से चॉकलेट नट्स। टेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई टेस्ट वाकई में है, जैसा ऑथेंटिक गोला होता है कराची में वैसे ही है। ये सारे सिरप्स उसी तरह डाले मशीन से, जिस तरह बर्फ़ क्रश होके निकलती है वैसी बर्फ़ है, और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट जो के कोन आइसक्रीम में डलती है वो वाली इन्होंने डाली है, और आइसक्रीम भी थी, कंडेंस मिल्क जितना डलता है उतना ही डाला था इन्होंने। आई मस्ट सजेस्ट कि हर कोई जो इधर रहता है इस्लामाबाद पिंडी में, उसको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एक दफ़ा करे बस वो, और यही वाला करे, इसी में मज़ा आएगा, 460 वाला। ये इनके पास और भी हैं, अगर आप आइसक्रीम नहीं खाना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी रिजनेबल भी पड़ जाएगा। ये मेन्यू है, इसमें थोड़ा सा इशू आपको नज़र आने में हो सकता है, मगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो इनका जो प्लेन गोला है वो 160 का है, उसमें आइसक्रीम, नट्स और जेली नहीं डलती, बाकी सिरप्स डलते हैं सिंपल, तो ये अच्छा है। और इनके पास इसके साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे कि ये लेमनेड की इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें जिंजर आ जाता है, मिंट आ जाता है, जिंजर एंड मिंट दोनों आ जाते हैं, ब्लूबेरी आ जाता है, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, सीम्स गुड। इसको भी मैं ट्राई करूंगा ज़रूर, आई मस्ट ट्राई।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।